वेलकम स्टूडेंट, अज का साडा चैप्टर है क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेटा जी, क्रॉप मीन्स फसल, मीन्स एक ही तरह के पौधे आप कहने क्रॉप। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज़ को ग्रो करना बड़ी मात्रा के कहने प्रोडक्शन। और मैनेजमेंट जिहड़ी है वो है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना और ऑर्गेनाइज करना, उन्हों आखते हैं आप मैनेजमेंट। मीनस असी फसल नू क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि किस फसल नू बहुत वड्डी मात्रा दे विच लगाना आते उसनू संभालना। बेटा आज मैं तुहानू दो फ्रेंड्स मिलान जा रही हाँ, एक का नाम है बूजो, एक का नाम है पहेली। बूजो और पहेली ये दोनों अपने अंकल दे घर गर्मिया दे विच छुट्टियां दे गए। तो उन्होंने अंकल जो सी वो फार्मर सी, उन्होंने देखा उस फील्ड दे विच कि उत्थे खुरपी पई है, सिकल, शॉवल, प्लो, ये टूल्स उन्होंने देखे। और ये जो बूजो है ये कहना कि मैं तो अपने देखने कि टूल्स किवें यूज़ होंगे है और कितने यूज़ होंगे है। बेटा तुसी पढ़िया पिछलियां क्लासा दे विच जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम है उन्होंने खाना की लोड़ है। प्लांट्स अपना खाना आ बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स किवें खाना बनाते हैं, ये तुसी सैवंथ क्लास भी पढ़िया। और एनिमल्स ते जे ह्यूमन्स है वो अपना खाना आप नहीं बनाते, वो अपना खाना इन्हां प्लांट्स तो लेंदे ने। पर गल ये कि आप सानू वाई डू वी हैव टू ईट फूड, सानू खान दी खाने दी क्यों जरूरत है? क्योंकि खाने तो सानू बेटा की मिलती है, एनर्जी मिलती है और सानू वेरियस जेड़े दे नाल साडे शरीर दे फंक्शंस ने, क्रियावां ने, जिन्हां नू आपां कहने डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, भोजन का हजम होना, साह क्रिया और निकास क्रिया दे वास्ते सानू खाने दी जिहड़ी है वो बहुत जरूरत है। सो वी गैट फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ, असी खाना जिहड़ा है वो एनिमल्स ते प्लांट दोनों तो लैने। बूजो फिर कहता है कि जे सानू सारिया नू खाने दी जरूरत है तो इन्ना खाना सारी कंट्री दे लई कित्थों आएगा? और पहेली का जवाब दिंदी है कि अगर सानू खाने दी जरूरत है तो फूड नू सानू बहुत लार्ज स्केल ते पैदा करना पेगा और इहदे लई सानू रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इहदे लई बहुत जरूरी है। मतलब लगातार प्रोडक्शन हुंदे रहे सानू खाने लई और इहदा मैनेजमेंट सही तरीके दे नाल हुंदा रहे ते डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी आ उह बहुत जरूरी है। बेटा तुहानू दसवां कि 10,000 BC तक पीपल जिहड़े सी नोमैडिक, नोमैडिक मीनस एक थान तो दूजी थान ते घूमदे सी किहदे लई? खाने लई और शैल्टर लई। और उस वास्ते वो की खांदे सीगे? रा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खांदे सी और फूड वास्ते एनिमल्स का जिहड़ा वो शिकार करदे सीगे। फिर उन्होंने खेती करना सीख लिया और उन्होंने की लगाना शुरू करते? राइस, फूड ते अदर क्रॉप्स लगानिया शुरू कर दिया। इस ना खेती जिहड़ी सीगी एग्रीकल्चर का जिहड़ा वो विकास हो गया। हुण इहदे विच तुसीं एक वर्ड देख रहे हो क्रॉप, जो पहली स्टार्टिंग च आया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हुण असीं पढ़ांगे कि क्रॉप जो तुम बेटा इक्को तरह के प्लांट्स बहुत लार्ज स्केल दे विच लगाए जाते ने दैन इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, तो असीं उसनू क्रॉप कहने। फॉर एग्जाम्पल वीट, फॉर एग्जाम्पल वीट, वीट मीनस कनक, असीं आम ज़्यादा करके कनक खाने, रोटी खाने तो कनक नू आपां वीट कहने। तो इक्को तरह के जिहड़े प्लांट्स है वो खेतों के विच लगाए जाते हैं। और इस तो इलावा असीं होर भी डिफरेंट टाइप्स दियाँ जिहड़ियाँ क्रॉप्स है, सीरियल्स, वैजीटेबल्स ते फ्रूट्स है, ये लगाने हैं और असी इन्हों सीजन दे अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। जिवें तुसी देखा होगा कि गर्मियां दियाँ जिहड़ियाँ सब्जियाँ अलग आदि ने, सर्दियाँ दियाँ अलग आदि ने। और इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है और इत्थे जिहड़ियां क्लाइमेटिक कंडीशनस है, टैंपरेचर,
ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਰੇਨਫਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਖਾਰਿਫ ਕਰੋਪਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪ। ਖਾਰਿਫ ਕਰੋਪ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰੋਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੋਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਟੂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਮੀਨਸ ਮਿਡ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਡੀ, ਮੇਜ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ, ਕੋਟਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪਸ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਖਾਰਿਫ ਕਰੋਪਸ। ਖਾਰਿਫ ਕਰੋਪਸ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਫ ਕਰੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ ਟੂ ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ, ਜੂਨ ਟੂ ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪ। ਰੱਬੀ ਕਰੋਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੱਬੀ ਕਰੋਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਅਕਤੂਬਰ ਟੂ ਮਾਰਚ। ਔਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਟ, ਗਰਾਮ, ਪੀ, ਮਸਟਰਡ ਐਂਡ ਲਿਨਸੀਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਦਾਲਾਂ, ਪਲਸਿਸ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਪਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਖਾਰਿਫ ਕਰੋਪ ਔਰ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪਸ। ਬੇਸਿਕ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਔਫ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੂਜੋ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਈ ਕੈਨ ਪੈਡੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਗਰੋਨ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲੋਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਵੇਅਰ ਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਨ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ। ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਏ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਸੋਇੰਗ, ਐਡਿੰਗ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਸੋਰੀ, ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਮੀਨਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਗਮਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੋਇੰਗ, ਸੋਇੰਗ ਮੀਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਐਡਿੰਗ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਨਿਓਰ ਮੀਨਸ ਖਾਦ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੀਨਸ ਖਾਦ, ਮੈਨਿਓਰ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਮੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੀਡਸ। ਵੀਡਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼
हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल जो अगर लग गई है अगर उन्हों असी कटना है। जो तो फसल कट ली जाती है तो उदा सेवन स्टेप आ जाता स्टोरेज, उन्हों संभालन असी उन्हों की कहने हैं स्टोरेज। ग्रो करने लिए फर्स्ट स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ सॉयल। ये आप मिट्टी लूज कर लेंगे ता कि जेडे जेडे प्लांट्स है उन्होंने रूट्स जड़िया ने सॉयल के बीच डीप चली जान और इन्हों जो है अच्छी तरह ब्रीथ कर सकन और ये जड़ा है प्लांट नू अच्छी तरह होल्ड कर सकन। और क्योंकि जी लूजन सॉयल है ये की करती है, ये हेल्प करती है अर्थवॉर्म्स गंडोए ते होर छोटे जी माइक्रोब्स उन्हां नू ग्रोथ करन दे विच हेल्प करती है। क्योंकि ये जड़े ऑर्गेनिज़म ने ये कौन ने, फ्रेंड्स ने फार्मर दे। क्यों फ्रेंड्स ने? क्योंकि ये जड़े है मिट्टी नू लगातार लूज करते रहते हैं और ह्यूमस जड़ा है वो सॉइल नू प्रोवाइड करते रहते हैं। इस करके सानू क्रॉप लगाने तो पहला मिट्टी नू जड़ा है वो लूज करना पैंदा है। और इस तो इलावा जिहड़े भी डेड प्लांट्स ते एनिमल्स होंदे ने उन्हों डिकम्पोज होके सॉइल ऑर्गेनिज़म के द्वारा वो सानू की प्रोवाइड करते हैं वेरियंस न्यूट्रेंट्स। और जेडे है फिर ये इस तरह जो न्यू प्लांट्स जड़े ने न्यूट्रेंट्स जड़े है वो लेंदे ने। क्योंकि जेडी टॉप ही जेडी लेयर है सॉइल की उन्हां दे विच की है प्लांट्स ग्रो करते ने और जेडी है ये जेडे न्यूट्रेंट्स ने ये टॉप लेयर दे विच ही प्रेजेंट होंदे ने और प्लांट्स इन्हां न्यूट्रेंट्स का यूज करते हैं। सो असी कह सकते हैं इस दे विच की टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जेड़ा प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। असी इस प्रोसैस नूं आपां की कहने हैं टिलिंग और प्लोइंग। ये जड़ी है कि द्वारा किहड़े टूल जिहदे द्वारा यह प्लोइंग की जाती है असीं उसनूं कहने हैं प्लो। प्लो कि मिल मिलके बने होंगे ने बेटा ये वुड और आयरन के बने होंगे ने। अगर जे साड़ी सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सानू इनू जड़ा है पानी दे के असी इनू प्लोइंग कर सकते हैं। पहले खेतों के पानी लगा दिता जाए ताकि जी मिट्टी है वह सॉफ्ट हो सके और मिट्टी के जड़े वो ढेले बने होंगे ने बिग पीसिस बने होंगे ने जिन्हों आप कहने क्रम्स कहने वो ईजली जड़े आ वो टुट हो जान और जी है बीज जड़ा वो चंगी तरह जड़ा वो ग्रो कर सके। मैन्योर जड़ी है वो टिलिंग करने टिलिंग करन तो पहला ऐसी खाद भी मिला दिती जाती है ता कि जड़ी है वो खाद मिट्टी दे नाल चंगी तरह मिल सके। नैक्सट इज एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट। आप अलग अलग तरीक़ों के नाल जड़े है वो बीज खेतों के बीच बीजते हाँ प्लो। ये बेटा ये पुराने जमाने के बीच जड़ी है वो सॉइल नू ऐसी इस नाल ही जड़ा है वो टिलिंग दी सॉइल दी करते सीगे और जड़ी है क्रॉप नू ऐसी फर्टिलाइजर भी पाते सीगे किधे लिए काम आता से और रिमूव करते सी इहदे नाल ही आपां वीड्स भी जड़िया ने इहदे नाल ही रिमूव करते सी। और ये जड़ा बेटा एक जड़ा बनिया हुंदा सीगा मेड ऑफ वुड तुसी इह देख रहे हो मेड ऑफ वुड एंड आयरन दे नाल मिलके बनिया हुंदा सीगा। और इहदे वास्ते दो जड़े है बुल्स पेयर ऑफ बुल का आप इस्तेमाल करते सीगे जा असी कह सकते हो होर्स का इस्तेमाल करते सी जा एनिमल्स का इस्तेमाल करते सीगे। और इहदे नाल एक स्ट्रोंग जड़ा आयरन स्ट्रिप लगी हुंदी सीगी जिसनू आप कहंदे सीगे प्लोशियर। ये देख रहे हो तुसी प्लोशियर ये लोहे की बनी हुंदी सीगी आयरन की और उहदा जिहड़ा मेन पार्ट हुंदा सी ये तुसी देख रहे हो एक लॉन्ग वुड लॉग ऑफ वुड है और जिहनू आपां की कहने आ प्लो शाफ्ट कहने आ। और इहदे नाल एक हैंडल भी इहदे लगा हुंदा सीगा द अदर एंड ऑफ अटैच टू ए बीम ए
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੋ ਸ਼ਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਹੋ ਹੋ ਦੇਖੋ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡਸ ਵੀਡਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਕਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੁੱਡ ਦੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਰੋਡ ਐਂਡ ਬੈਂਡ ਪਲੇਟ ਆਫ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਐਂਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ ਲਾਈਕ ਏ ਬਲੇਡ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼